डिफेंस लाइन एक ऐसा लाइन है जो एक रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, और इसमें आपको ईश्वर के कृपा यदि बना है तभी आप जॉब मिल सकता है। आपकी दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पांव, ब्लड, किडनी, लंग्स, हार्ट सब बिल्कुल काम सही से यदि कर रहा है और ईश्वर ने आपका कद उतना दिया है जितना कद की दिन करना चाहता है, यदि वही काम करेगा तो इंटरेस्ट के साथ करेगा और बढ़िया करेगा। मतलब यदि उस पर कोई काम हम थोप देंगे जो नहीं तुम्हें बैंक पीओ बनना है, लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं है बैंक से, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए बच्चे को इस बात की तो स्वतंत्रता होना ही चाहिए जो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, आप उसमें सपोर्ट कीजिए और काम ओवरऑल उन्हीं को कर, उसमें इंटरेस्ट रखेंगे जो मुझे फौज में जाना है, मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, मुझे पिस्टल चलाना है, मुझे AK-47 चलाना है, तो उसमें आपका जब रुचि होगा तब काम करेंगे, नहीं तो फिर आप डर डर के काम नहीं कर सकते। बता चुका हूँ जो CRPF एशिया के सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, इनके पास वर्सटाइल टास्क है, टास्क ओरिएंटेड है, जहाँ जो काम पड़ा तुरंत उतना नफरी वहाँ उस स्टेट में उस क्षेत्र में भेज दिया गया। तो जब जो काम करेगा, जैसे बताया जाता है जो घोड़ा रेस में नहीं जाएगा वो घोड़ा क्या जीतेगा क्या हारेगा। राम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया और हमारे साथ मौजूद हैं सुबोध मोहन झा जो जम्मू एंड कश्मीर में इंस्पेक्टर के पोस्ट पे तैनात हैं। दर्शकों को बता दें सुबोध जी जिला अंतर्गत रैका प्रखंड के पोखरौनी गांव के निवासी हैं और यह अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इनकी बातों को सुने। कर्मवीर के इस एपिसोड में बहुत ही कीमती बात इनसे होगी और कोशिश करेंगे कि इनसे उन सारी बातों को जानना जिस दमखम पे यह इंस्पेक्टर के पोस्ट पे तैनात हुए, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, कितनी कोशिशें करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। इसलिए आप दर्शकों से निवेदन कि इनकी बातों को ज़रूर सुनें। हो सकता है कि इनकी एक बातें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक और कारामद साबित हो सके। सबसे पहले सुबोध जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करते हैं जो आपके हिंदुस्तानी मीडिया के दर्शक हैं और आपका मीडिया वैसे ही सुर्खी में है, हर एक आदमी देखना चाहता है क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य है आप लोगों का कठिन मेहनत और हर एक अच्छे जो विचार है, अच्छे शब्द है, अच्छे कर्म है, उनको आप चाहते हैं सामने लाएँ जिससे पूरे देशवासी लाभान्वित हो पाए और उससे कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में उसका उपयोग कर पाए। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर, हम जानना चाहेंगे कि आप मधुबनी जिला के ही रहने वाले हैं, हम चाहेंगे कि आप अपने पारिवारिक जो लोग हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड जिसे कहा जा सकता है, आप उनके बारे में पहले आप जानकारी दें हमारे दर्शकों को। मेरा गाँव पोखरौनी है और मेरे पिताजी के नाम श्री पुरंदर झा हैं और मैं गाँव में ही स्कूल है पोखरौनी गांव में जी, उस स्कूल से पढ़ाई किए थे क्लास 6 तक, फिर उसके बाद रैका स्कूल में। ग्रैंडफादर, वो तो आप पढ़ाई पे आ गए, ग्रैंडफादर का क्या नाम था, क्या करते थे ग्रैंडफादर, पापा क्या करते थे, ये भी बताया हमारे दर्शकों को। लोगों की इच्छा होती है जानने के लिए। जी जी, तो हमारे दादाजी, हमारे दादाजी जो किसान थे और भैंस रखते थे और एकदम बिल्कुल गांव पहले में जो बोलते हैं, गांव में, और कोई पहले रोजगार करना ही गुनाह समझते थे। हाँ, इसलिए खेती बाड़ी, हमारे ग्रैंडफादर तक के जनरेशन में कोई रोजगार नहीं करते थे। जी, 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 जी। पिताजी सब सोचे जो कुछ ना कुछ किया जाए, तो हम ब्राह्मण कास्ट होने के नाते पंडित का काम हमारे पिताजी करते थे। पापा दादा भी, हाँ दादा नहीं है, दादा पापा है और पापा जी का उम्र अब अभी 73 इयर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी वो 2-4 घंटा पुराने जमाने के लोग हैं, तभी भी ताकतवर ज़्यादा होंगे, पूजा पाठ में पूरा विश्वास करते हैं। अच्छी 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 बात है। और सर, ये तो पापा के बारे में बता दीजिए, आप मम्मी तो स्वाभाविक गृहिणी होगी। हाँ, माता जी, माँ भी हैं। हाँ, क्या भाई बहन हैं आप? हम दो भाई हैं, एक हमारे भाई साहब CPWD में हैं, अधिकारी हैं, बड़े हैं। हाँ, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, 10-12 साल बड़े हैं हमसे। अच्छे। और मैं ये CRPF बहन भी, बहन दो हैं, दोनों बहन मेरी से बड़ी हैं। वो शादी हो चुकी है, हो कहाँ शादी है? एक तो भटरा है जो कि नज़दीक ही है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, और दूसरा सीमा है वो भी मधुबनी के नज़दीक ही है। जी, जानते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे सुबोध जी के, आप जिस तरीके से पापा दादा
दादा के ज़माने की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि उस दौर की बात आप कर रहे हैं जिस दौर में एक रुपये या चार आने एक पैसे की वैल्यू अहमियत रही होगी। एक पैसे वाले लोग नौकरी से बेहतर जो है वो खेती करना और घर में घर गृहस्थी करना पसंद करते थे। आप CRPF में आने से पहले आपने पढ़ाई कैसे कैसे किया ये बताइए आप। हमारा जो मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया? मैट्रिकुलेशन रहिका स्कूल से हुआ। 1998 में मैट्रिकुलेशन किए। उस समय में पढ़ाई का उतना ये नहीं था, प्राइवेटीकरण और निजी स्कूल का भी उतना ये नहीं था। सरकारी स्कूल थी। हाँ, सरकारी स्कूल था। लगभग सभी विद्यार्थी सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। अच्छा। दो चार जिसके पास अधिक पैसा है वही पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में। फिर आगे की पढ़ाई? तो फिर हम लोग मैट्रिक किए और कोई गाइडलाइन भी नहीं था जो क्या करना है, तो ग्रेजुएशन तक तो आंख उनके ग्रेजुएशन कर। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? आरके कॉलेज मधुबनी से ही किया। हाँ, आपने कॉमर्स मेरा। कब किया ग्रेजुएशन आपने? मैं 2005 में कंप्लीट किया। ठीक है, 2005 में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद? उसके बाद मैं सोचा जो अब तो कुछ रोजगार के लिए करना पड़ेगा तो कंपटीशन की तैयारी किया जाए। तो कंपटीशन के लिए वही एक सबसे पहली बात जो है, जो फौज में आने के लिए जो सबसे मूल चीज है वो दो चीजें हैं। एक तो आपका फिटनेस, यानी सुबह उठ के कम से कम आप एक घंटा डेली फौज में आने के लिए देना ही होगा। रनिंग की क्या क्या करना है? एक घंटा दर्शकों को भी चलना चाहिए। क्या क्या करना? आप सुबह में डेली एक रूटीन बनाइए, जो भी आपका सुबह हो। किसी का 4 बजे सुबह होता है, किसी का 6 बजे होता है। सुबह का कोई काउंटिंग नहीं है। किसी का 8 बजे भी सुबह हो सकता है। जब भी उठते हैं एक घंटा आप कम से कम अपना रनिंग, उसमें हो गया हाई जंप लॉन्ग जंप, आपका शरीर जो इजाजत दे। आप यदि आज 2 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ने का, लेकिन आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर के बाद हर एक व्यक्ति अपने फिजिकल इफिशेंसी इतना जरूर बना लेंगे जो सरकारी सेवा में कोई भी पद के लिए होता है उतना फिजिकल सफिशियंट है। और एक घंटा यदि आप बिना फिजिकल किए भी, यदि कोई फिजिकल जॉब में नहीं है, मान लीजिए आप बैंक PO हैं या रेलवे के कर्मचारी हैं या कोई भी आप सिविल काम करते हैं, तो एक घंटा तो कम से कम आप 24 घंटा में अपने सेहत को जरूर दीजिए, जिससे कि आप फिट रहेंगे, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा और खाना अच्छा से खा पाएंगे और पचेगा भी। तो ये मेरा पर्सनल वक्तव्य है, जो कभी भी आप अपने शरीर के प्रति एक घंटा जरूर व्यतीत करें और अधिक से अधिक मेहनत करें, जिससे कि आपका फिजिकल फिट हो गया। उसके बाद पढ़ाई पे ध्यान देंगे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, तो आपका सिलेक्शन। जैसे आप CRPF में आए तो मधुबनी में रह के तैयारी के लिए? जी, हम मधुबनी में ही थे और एक साल लगभग पटना में रहे। तो पटना में रहने से 2 फायदा हुआ मुझे। एक तो वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो आपस में कंपटीशन भावना होता है। जब आप किसी से बात करेंगे तो उनकी बातों पे आपको ध्यान आएगा जो क्या बोल रहे हैं, और आप अपना वैल्यू भी जानेंगे। मान लीजिए आप मेरी कितनी, हाँ, आप यदि 100 आदमी के बीच में खड़े हैं और यदि आप बोल रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब 100 आपको सुन रहा है, और यदि 100 का आप सुन रहे हैं मतलब आप 100 आदमी से पीछे हैं। तो ये एक अच्छी पॉइंट, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने औकात का हैसियत का पता लगाना हो, तुम बोलो 100 आदमी सुनेगा, बिल्कुल, तब तुम्हें लगेगा कि 100 से तुम ज्यादा जान रहे हो या 100 पर तुम भारी हो। लेकिन अगर तुम सुन रहे हो 100 आदमी का, मतलब तुम 100 से पीछे हो। बिल्कुल, ये बहुत कीमती बात है। ये छात्राओं के लिए समझिए कि आपने एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पॉइंट दिया है आपको ऊपर बढ़ाने के लिए। हम लोग जब वहाँ थे पटना में, तो उस समय में एक पॉइंट चलता था जो प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज लेते थे। उस टेस्ट सीरीज में कम से कम 600-700 विद्यार्थी बैठता था। यदि उसमें रैंकिंग आपका 1 से लेकर 20 तक भी है तो आपका जॉब निश्चित है, आपका जॉब मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ बैठेंगे आप क्वालिफाई। आपका रैंक क्या आता था? मेरा 800, मेरा टोटल आदमी का सिलेक्शन जिस बार हुआ था 800 है, उसमें मेरा 47 रैंक है। नहीं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसका, और जब मैं गया था तो उस समय में मेरा शुरू में रैंक वही 500 में। तो आप मेरी बात में जॉब में कब आए, किस साल में आप आ गए? मैं 2009 में CPO के थ्रू आए जॉब में। 2009 में आपने ग्रेजुएशन कब किया? 5 में किया। 3 साल की मेहनत के बाद आप गाँव में आ जाते हैं जॉब में। आप अभी कुल कितनी एज हो गई आपकी? मेरा 41 ईयर कम्प्लीट। 41 ईयर्स है। कितने साल हो गए CRPF में आपको? अप्रॉक्स 14 साल हो गया।
तो बहुत 27 साल की उम्र में जो है नौकरी आपने बिल्कुल उस दौर में ले लिया, जिस दौर में घर के लोग या फिर खानदान के लोग ये नहीं जानते थे गवर्नमेंट जॉब में जाना है क्या करना है, आपने सेल्फ अपने ये कह सकते हैं कि सेल्फ ही आपने जो है फैसला लिया और पढ़ाई तैयारी करके आप इस जॉब पे गए मान लीजिए। तो पहला पोस्टिंग कहाँ हुआ था आपका? मेरा पहला पोस्टिंग जो है छत्तीसगढ़ हुआ था। जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सीआरपी जो है सो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया के सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैरामिलिट्री है, इससे बड़ा कोई पैरामिलिट्री नहीं है एशिया में, और इसका वर्क भी बहुत सारा है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है, नक्सल इफेक्टेड एरिया को देखना है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अभी आप जैसे कि मणिपुर का कुकी और मैती के बीच में जो लड़ाई मामला, जितना भी आप चुनाव हो कहीं दंगा हो जो भी काम हो उसका मेन रोल सीआरपी अदा करता है, और हर एक जगह सीआरपी आपको मिलेगा। आप क्या करते हैं, पहले किस पोस्ट पे आया, अभी किस पोस्ट पे? मैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट में 2009 में भर्ती हुआ और 2015 में लगभग 6 साल के बाद एज एन इंस्पेक्टर प्रमोटेड हुआ। क्या काम करना होता है आपको? काम ये टीम वर्क है, मेन आपका रैंक के हिसाब से आपके पास कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाता है, जैसे सब इंस्पेक्टर हैं तो आप एक सेक्शन को देख रहे हैं और इंस्पेक्टर बन गए तो एक प्लाटून को देखेंगे, ये आपका जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा उस हिसाब से आपके अंदर नफरी, यानी हिंदी में बोलें तो उसकी संख्या बढ़ जाएगा, नफरी हमारे टेक्निकल शब्द हुआ, तो नफरी बढ़ जाएगा और आप उसको उतना आदमी को मॉनिटरिंग करेंगे, आपका वो गाइड होगा, आपका कंट्रोल होगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सर हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जो जानना चाहते होंगे कि आखिरकार सीआरपीएफ का असल रोल क्या होता है, एक तो सवाल मेरा ये है सीआरपीएफ का असल रोल क्या होता है, सीआरपीएफ और अदर जो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हों चाहे आर्मी हों पुलिस डिपार्टमेंट में जो जॉब कर रहे हों इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये बताया था जी। देखिए सीआरपीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और इनका मेन उद्देश्य है, ये एक रिजर्व है, इनका कोई अपना टास्क नहीं है, जिस स्टेट में ये महसूस होगा जो हमें जवानों की ज़रूरत है यानी कि फोर्स की ज़रूरत है तो स्टेट रिक्वायरमेंट के अनुसार से ही उस स्टेट में डिप्लॉयमेंट होते हैं और उसका जो वर्क होता है उस वर्क में शामिल होते हैं। जैसे अभी हम जम्मू एंड कश्मीर है में हैं तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में ऐसा अभी केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा फील हुआ जो इतना जवान की ज़रूरत है तो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर में सभी बातें, जहाँ हमको लग रहा है सेंसिटिव एरिया है वहाँ ड्यूटी होना है, जहाँ लगता है जो यहाँ रोड ओपनिंग की काम है वहाँ रोड ओपनिंग होगा, इलेक्शन होना है तो इलेक्शन में शांतिपूर्व इलेक्शन कैसे हो उसके लिए हमारा योगदान होता है। सीआरपीएफ का एक शब्द में ये कह सकते हैं वर्सटाइल रोल है, लेकिन ये हमेशा रोल स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस के अंतर्गत ही करते हैं, इनका इंडिविजुअल अपना कोई रोल नहीं होता। सर एक बात जानना चाहेंगे, जब हम लोगों का ज़्यादा तजुर्बा है जब देखता है कि बिहार पुलिस या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी लोग लगे हुए हैं जब ये नाकाम होते हैं या होने लगते हैं तो सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या वजह होती है? एक लोग भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी समझते हैं, आप बताएं इसको। नहीं ऐसा मैं तो नहीं मानता, आप नहीं मान सकते। हाँ ऐसा तो मैं मान नहीं मानता, ऐसा माना जाता है ये नाकाम हो गया, लेकिन क्या है जैसे कोई कमजोर पड़ रहा है यानी उनकी उनको अभी लग रहा है जो हमको बिहार में चुनाव कराना है, बिहार में हमारे पास बिहार रक्षा कार्मिक जो है बिहार पुलिस जो है वो उनकी संख्या कम है तो हमको पुलिस चाहिए, तो पुलिस में सीआरपीएफ क्या है ऑलरेडी रिजर्व पुलिस है और इसको हम बुला सकते हैं, और इनमें ये खासियत है ये टास्क ओरिएंटेड होते हैं, इनको टास्क दिया गया है जो यहाँ शांति जो कह दिया गया उस पे अमल करना है चाहे सामने जो भी बाधाएं आ जाए। हाँ टास्क ओरिएंटेड है, इनको किसी से पता नहीं करना है, किसी को पूछना नहीं है जो आप कौन है, हमको यहाँ रोड खाली रखना है, जहाँ मारना पड़े डंडा चलाना पड़े कोई मतलब नहीं, उसको पूछना किसी से नहीं, कानून के अंतर्गत ही होता है, डंडा नहीं चलाते। सर सुबोध जी एक चीज और जानना चाहेंगे, ऐसा हम लोगों का तजर्बा रहा है कि देखते हैं कि बिहार पुलिस जा रही है, बिहार पुलिस चल रही है, लोग खड़ा हुआ है, सीआरपीएफ जहाँ देखा भाई को उचित कपड़ा और ड्रेस है, सीआरपीएफ वाला है, भागो भागो यहाँ से, एक भय भी है, ईमानदारी का डंका बोलता है उसके पीछे, दो क्या रीजन, दो लॉजिक है, मैं जहाँ तक व्यक्तिगत अपना एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि कभी मैं भी सिविल आदमी था तो ये बात तो मुझे भी खौफ था जो चितकबरा आ गया तो भागना पड़ेगा, हाँ तो भागना पड़ेगा, उसके पीछे पहला बात क्या है, जैसे
मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो CRPF का टास्क ओरिएंटेड होता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन या महीना दिन में कोई काम करके वहाँ से निकल चलना है। लेकिन स्टेट पुलिस जो होता है, जिसके अंतर्गत CRPF काम करते हैं, वो हमेशा आपके बीच रहते हैं और वो सभी को जानते हैं, इसीलिए वो रूट बिहेव और अमिकेबल होते हैं, मिलनसार होते हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन उनको रखना, फला साहब है जानना पड़ता है उनको, सभी को एक रीजन ये है, मेन रीजन यही है। हम लोग किसी को जानते नहीं है, हम लोग काम किए निकल गए। जैसे आपकी अगर पोस्टिंग हो जाए, अगर आप CRPF में ना होते, किसी अदर में होते, थाने में होते, तो भाई फला साहब है, लेकिन वो तो आने वाला जम्मू कश्मीर से आया, बिहार में आ गया, मधुबनी में आ गया, कोई साहब नहीं है उसके लिए, एक जनता है, आप एक CRPF, यही मामला होता है। मेन यही है, जो हमको आइडेंटिफाई किसी को नहीं करना पड़ता है, हमारे नजर में सब बराबर है, सब आप लोग महान हैं, लेकिन हमको आदेश मिला है, अभी इलेक्शन है, यहाँ 50 मीटर तक कोई नहीं रहेगा, तो आप भी नहीं रहेंगे, चाहे आप कितने बड़े पोस्ट पे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उससे हमको मतलब। एक ही बताएं हमको, आप कभी CRPF जब भी देखता है देश की, चाहे दो देश से लड़ाई का मामला हो या फिर सरहद का मामला हो, बॉर्डर का मामला हो, तो BSF और CRPF, CRPF को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। हमें लगता है कि अगर एक आइडिया, एक आंकड़ा लिया जाए, तो CRPF देश के लिए सबसे ज़्यादा जान गंवाने वाला कोई होता है, अगर CRPF का भी नाम आता है, क्या इस पर क्यों इनका इस्तेमाल किया इसका? जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो CRPF एशिया के सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, इनके पास वर्सटाइल टास्क है, टास्क ओरिएंटेड है, जहाँ जो काम पड़ा तुरंत उतना नफरी वहाँ उस स्टेट में, उस क्षेत्र में भेज दिया गया। तो जब जो काम करेगा, जैसे बताया जाता है, जो घोड़ा रेस में नहीं जाएगा वो घोड़ा क्या जीतेगा क्या हारेगा, तो जो काम करेगा उसको कैजुअल्टी की संभावना हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उद्देश्य यही रहता है जो सेफ्टी सुरक्षा के साथ उस काम को निष्पादित किया जाए और अपने अमन का नाम हमेशा नंबर वन पे रहना। अच्छा सुबोध जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ गई बात अभी, कि जैसे कि पुलिस वाले से भी मेरी मुलाकात हर पल होती रहती है और बहुत हद तक जानता भी हूँ पुलिस वाले को, तो पुलिस वाला जो दारोगा होता है, इंस्पेक्टर होता है, DSP होता है, खासकर DSP रैंक से तो बात होती रहती है हम लोगों की ज़्यादातर, तो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को पुलिस लाइन में नहीं दूंगा। आप एक CRPF के इसमें हैं और आप इंस्पेक्टर पोस्ट में हैं, ऊंचा पोस्ट है, उससे भी आगे बढ़े, भगवान से दुआ भी मैं करता हूं। आप अपने बच्चे को, पहले ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई, बच्चे कितने हैं बताइए आप? मेरा शादी 2012 में हुआ, मेरे पास दो बच्ची है, और जैसे बच्ची क्या बने और कौन सा जॉब में जाए ये मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं ये बताए थे जो आपको फौज में जाना है, मेरे बड़े भाई साहब को CPWD में जाना है, वो पापा नहीं बताए थे, तो पापा का दौर कुछ और था, जैसे दादा का दौर कुछ और था जी। आज के दौर में बेटा और बाप का अभी तो दोस्त की तरह होता है, आपको शायद याद होगा कि पहले दादा से बात करने के लिए अगर पापा आप पर बिगड़ते तो उसका एलाय दादा करते थे, दादा पापा मालूम हुआ कि बेटा मेरा गर्म है तो दादा एक बार डांट देते तो पापा की बोलती बंद हो जाती थी। और आज के वक्त में हमारा बेटा, आपका बेटा बेटी, चाहे मेरा बेटा बेटी हो, एक दोस्ताना स्वभाव होता है, बेटा यह काम कर लो वो काम कर लो। आपको क्या लगता है, अगर आपका बच्चा कल के डेट में CRPF में जाना चाहे, बेटा हो बेटी हो, या हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा व्यक्तिगत विचार 3 Idiots फिल्म से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति जो करना चाहता है यदि वही काम करेगा तो इंटरेस्ट के साथ करेगा और बढ़िया करेगा। मतलब यदि उस पर कोई काम हम थोप देंगे जो नहीं तुम्हें बैंक PO बनना है, लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं है बैंक से, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए बच्चे को इस बात की तो स्वतंत्रता होना ही चाहिए जो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, आप उसमें सपोर्ट कीजिए, और काम ओवरऑल उन्हीं को करना है। तो उसकी प्रेरणा मुझे 3 Idiots फिल्म से मिला था, और मैंने उसको देखा तो बहुत अच्छा लगा, जो जिस क्षेत्र में मास्टर है या जिस क्षेत्र में सोचता है मुझे रुचि है उसी क्षेत्र में काम होना चाहिए, अन्यथा उसकी जीवन भी बर्बादी है और दूसरे का इफर्ट भी बहुत लग के कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास जितने भी आदमी हैं हमको पता है जो कौन काम कौन कर सकता है, यदि हम उस काम को दूसरे के माध्यम से करवाना चाहेंगे तो या तो काम खराब हो जाएगा या फिर काम समय पे नहीं होगा। इसीलिए काम हम हमेशा उसी को टास्किंग करते हैं जो लगता है काम को सही से कर देगा और टाइम पे कर देगा। दर्शकों, देखा हमारे साथ सुबोध मोहन जी हैं, इनका कहना है कि काम वही है जो आप पसंद करें,
और अगर आप जिस क्षेत्र में आप जाना चाहें उसमें जाएं। गार्जियन को भी चाहिए कि जिस क्षेत्र में आपका बच्चा जाना चाहता हो आप मदद करें ताकि अपने चुने हुए क्षेत्र में वो जा सकें और कामयाब हो सकें। और हम चाहेंगे कि सुबोध सर आप जो है हमारे दर्शकों को, खासकर जो छात्र छात्राएं नौजवान हैं, उन्हें आप कुछ अपने तरफ से ये बताएं जो उस उनके लिए उनके लाइफ में एक समझिए कि वो एक लकीर का काम करें, उस पर अमल करके जो उसका डेस्टिनेशन है, मंजिल है, उसको पा सके। जी, जैसा कि मैं समझता हूँ, सबसे पहले यदि आपको फौज में आना है तो बहुत बढ़िया बात है। फौज में आना या कोई भी जॉब सिलेक्शन करना आपका ही ओवरऑल पूरा डिसीजन है। और यदि आप उसमें इंटरेस्ट रखेंगे, जो मुझे फौज में जाना है, मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, मुझे पिस्टल चलाना है, मुझे AK-47 चलाना है, तो उसमें आपका जब रुचि होगा तब काम करेंगे, नहीं तो फिर आप डर डर के काम नहीं कर सकते। तो फिर आप ज्वाइन करने के बाद भी फिर आ जाएंगे। बहुत आदमी सुनते होंगे ज्वाइन किया, कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, क्योंकि उनको उनमें रुचि नहीं है, जबरदस्ती नौकरी के कारण पैसे का। एक डिफेंस लाइन एक ऐसा लाइन है जो एक रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, और इसमें आपको ईश्वर के कृपा यदि बना है तभी आप जॉब मिल सकता है। आपकी दोनों आँख, दोनों हाथ, दोनों पाँव, ब्लड, किडनी, लंग्स, हार्ट, सब बिल्कुल काम सही से यदि कर रहा है और ईश्वर ने आपका कद उतना दिया है जितना कद की डिमांड है, तब जाके आप बड़ी बात सफलता है कि अगर ईश्वर का खास ईश्वर की खास कृपा हुई तभी आप जा सकते हैं। मतलब लंबाई भी चाहिए, मोटाई भी चाहिए, हार्ट भी चाहिए, दिल भी चाहिए, गुर्दा भी चाहिए, साउंड भी चाहिए, आँख भी चाहिए, मतलब कहीं से कोई काना कुतरा नहीं होना, बिल्कुल नहीं, तभी आप फौज में आ सकते हैं। फौज में आने के लिए आपको त्याग भी करना पड़ता है। हाँ, घर नहीं आ सकते बार-बार। सबसे पहले तो आपको, मैं जहाँ आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, छुट्टियाँ कम है, छुट्टियाँ जो भी है, लेकिन आप पेरेंट्स के साथ इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि आप छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया जो भी है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आप वहाँ रह नहीं सकते हैं फैमिली के साथ। जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन है जो आप यहाँ का आदमी वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये सब समस्या है जिसके कारण आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते हैं, अपने किड्स के साथ नहीं रह सकते हैं, बच्चे के साथ नहीं रह सकते। यही सब त्याग के कारण इसको जो एक महान माना गया है और इनका जो रोल है सबों से अलग देखा जाता है। यदि कोई फौज में है तो एक हर एक आदमी बोलता है एक सैल्यूट मेरे तरफ से जो देश के रक्षक हैं। इंस्पेक्टर साहब आप हैं, कभी पिस्तल चलाने का मौका मिला? वो तो बहुत पिस्तल तो ऐसा यादगार क्षण आपकी नौकरी में, अभी 14-15 साल की नौकरी में? नहीं, हमारा जो जनरली सर्विस होते हैं उसमें हम जंगल या तो सर्विस होगा, जैसे कि नक्सल एरिया में मैंने कोबरा में काम किया 5 साल, तो छत्तीसगढ़ में रहा, तो उस समय में हम AK-47 कैरी करते हैं जो भी इफेक्टेड एरिया है। पिस्टल तो पीस एरिया में जो कोई ऐसी यादें जो कभी आपको जो है उठाना पड़ा हो, चाहे नहीं, वो तो जब आप रहेंगे। और मेन क्या होता है, हर एक आदमी को हर एक काम करने का मौका नहीं होता, ये टीम वर्क होता है। टीम वर्क में जैसे हम एक साथ 200 आदमी है, किसी 5 आदमी को मौका मिलेगा ये काम, 5 जाओ नहीं, वो उसी 5 भीड़ में से 5 कोई काम करेगा, शुरू करो। हाँ, वो हर एक आदमी को ऐसा मौका नहीं मिलता है और लगभग ये कॉन्फिडेंशियल होता है किसको मौका मिला, कौन किया। ये है कि CRPF में डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारी बातें खुद के अंदर रखते हैं, वो उगलते नहीं हैं, लोगों को नहीं बताते हैं, जिसे आप बोल रहे हैं कि नहीं, हर एक चीज़ का अपना डेकोरम है, उस डेकोरम को मेंटेन रखना चाहिए। बात बाकी तो जनता के बीच में ही हम हैं और जनता के ही द्वारा काम करने वाले, उन्हीं के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, उनके सेफ्टी सुरक्षा का ही दृष्टिकोण हम लोगों का है। हम लोगों को कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, मेन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है जो हमेशा विश्व कल्याण के लिए काम किया जाए, और चाहे इसके लिए CRP पर्सन दूसरे देश भी जाके सेवा करते हैं, कारण यही है विश्व कल्याण। सर, एक सवाल आखिर में मैं जानना चाह रहा था आपसे, वो ये है कि जैसे कि आप इंस्पेक्टर हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड हैं, सोशल मीडिया से भी लगाव रहता है आपका, जैसा कि मुझे पता चला है? नहीं, सोशल मीडिया तो जैसे आजकल एक पार्ट है, हर एक आदमी जुड़ा रहता है। यूट्यूब चैनल वगैरह से भी लगाव रहता है आपका? मैं वैसे ही इंटरटेनमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए। लेकिन मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं आपसे। हाँ, मेरे पास लगभग 5,60,000 अभी सब्सक्राइबर हैं। इसकी क्या वजह है, कुछ हमें भी बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं, वो भी जुड़ना चाहेंगे।
नहीं, उनका मेन वजह यह है जो मैं जैसे फौजी एक्टिविटी, जैसे फौजी क्या नाश्ता करता है, फौजी क्या खाता है, फौजी फिटनेस रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये जो भी एक्टिविटीज हुआ, अभी हम जैसे लाल चौक पे हैं तो लाल चौक एक बहुत ही फेमस स्थान है, हर एक आदमी उसको देखना चाहते हैं, तो उनका मैं क्लिप डाला तो सबको अच्छा लगता है, वो देखते हैं, लाइक करते हैं, उससे मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेन मेरा है जो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव सकारात्मक सूचना हम चाहते हैं जो देशवासी को मिले। सूचना तो आप सकारात्मक दे रहे हैं, बिल्कुल वो ऑटोमेटिक बढ़ता चला गया। हाँ, वो तो जनता को जो चीज़ अच्छा लगेगा उधर झुका हुआ। आपका हिंदुस्तान मीडिया क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि आप न्यूज को सोचते हैं जो हम सही न्यूज दें, जेन्युइन आदमी से बात करें जो समाज के लिए अच्छे कर सकें, जिससे हम कुछ सीख सकें, तो यही पॉजिटिव चीज से हमेशा डेवलप हुआ है। तो सर कब तक आपकी नौकरी रहेगी, कितने साल तक? सीआरपी का कोई भी पर्सन होगा 60 ईयर तक होता है डेट ऑफ बर्थ, जी 60 साल, 60 साल के है। उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे आप? उसके बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। रिटायरमेंट हो जाते जी। हैं जी। तो पापा मम्मी को कैसा लगता होगा, बहुत दिन पे आते होंगे आप? नहीं, पापा मम्मी बहुत गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि पिछले बार मेरे साथ पापा मम्मी थे खटखटी में, असम में, और वहाँ एक DIGP महोदय हैं। DIGP महोदय के कहना था जो पेरेंट्स डे पे हम सम्मानित करेंगे आपके पिता माता पिता को, तो माता पिता जी मेरे वहाँ गए और उनको सम्मानित किए, DIGP साहब फूल बुके दिए, और बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे पिताजी उनका एक फ़ोटो बना के अपने रूम में भी रखे हैं, DIGP साहब का, जो ये मुझे सम्मानित किया था, उनका एक फ़ोटो है। बहुत सर शाहनवाज खान साहब उनके नाम। बहुत कीमती बात कहा आपने दर्शकों, एक बाप के लिए इससे बड़ा पल क्या हो सकता है जब अपने बेटा की वजह से बाप सम्मानित किया जाए। मेरा मानना है, दुनिया भी मानती है कि बाप के लिए सबसे खुशी का पल वही होता है जो अपने औलाद के नाम पर बाप को जाना जाए और बाप को सम्मान दिया जाए। आप दर्शकों से भी निवेदन है, आप भी कुछ ऐसा करें कि आपके पिताजी और आपके माताजी का न सिर्फ नाम हो बल्कि सम्मान भी पूरी दुनिया में दिया जाए। फिर मिलते हैं किसी और स्कॉलर्स के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। क्या?